हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो न्यूक्लियाई चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं और हेडिंग आप सबने देख ली होगी और उस टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिविटी। क्या नाम बेटा? रेडियो एक्टिविटी। तो बहुत ध्यान से देखेंगे आप, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ न्यूक्लियाई चैप्टर, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह खूब आते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है आप देखिए, रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होती है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते कि कब चालू होगी, कैसे, आप उसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते, आप उसको डीएक्सेलरेट नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, समझ रहे हैं? और नॉर्मली रेडियो एक्टिविटी क्या, आप यू समझिए कि जैसे अपने पास खूब सारी न्यूक्लियाई होती है जो अनस्टेबल है, अपन ने देखा बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अंदर कि खूब सारी न्यूक्लियाई अनस्टेबल है और वो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती है वो अपना मास नंबर रिड्यूस करती है, समझ रहे, और वो अपने आप को कन्वर्ट करती है दूसरी न्यूक्लियाई के अंदर। तो वो जो कन्वर्जन है न्यूक्लियाई का अपने आप किसी दूसरी न्यूक्लियाई के अंदर, दूसरी स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर, उसे अपन रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, समझ रहे। तो रेडियो एक्टिविटी इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बिगर न्यूक्लियाई इंटू अनस्टेबल न्यूक्लियाई इंटू स्टेबल न्यूक्लियाई बाय इमिटिंग थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिकल। इन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में आप सबको पता है, वो अल्फा, बीटा और गामा। इनके बारे में और डिटेल में अपन स्टडी करेंगे इसके बाद में। तो कोई भी न्यूक्लियाई जब इन अल्फा, बीटा, गामा इनमें से किसी को भी इमिट करती है और इमिट करके वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, तो उस प्रोसेस को अपन रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, समझ रहे। अब देर आर सर्टेन लॉज, है ना, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कुछ लॉज है रेडियो एक्टिविटी के जो अपने को ध्यान से पढ़ने। तो सबसे पहला लॉ क्या है कि द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, दे डीके स्पॉन्टेनियस बाय इमिटिंग अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स। मतलब रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। मैंने आपसे डिस्कशन किया, जो बातें अपन ने की वही लॉज के फॉर्म में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, कोई इतना खास नहीं है। दे डीके स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, डीके का मतलब कन्वर्जन ऑफ वन न्यूक्लियाई इंटू अनदर न्यूक्लियाई, अपने आप कन्वर्ट होते हैं बाय इमिटिंग अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स को इमिट करके, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, जो रेडियोएक्टिव आपकी न्यूक्लियाई की जो प्रोसेस है, ये मैटर ऑफ चांस है। मींस आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इतनी बजे रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस स्टार्ट होगी, इतनी बजे ऐसे होगा, इतनी बजे ऐसे होगा। नो, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग, समझ रहे। ये मैटर ऑफ चांस है, हो जाए नहीं हो, नहीं हो, समझ रहे, इट इज अ मैटर ऑफ चांस। फिर तीसरी चीज, रेडियोएक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल कंडीशंस। मतलब ये नहीं कि कोई न्यूक्लियाई जो है वो कन्वर्ट हो रहा दूसरे न्यूक्लियाई में, तो आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर घटा देंगे, तो उससे रेडियो एक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट कैन नाइदर बी एक्सेलरेटेड नोर बी डी एक्सेलरेटेड। मतलब आप ऐसा नहीं है कि कोई भी न्यूक्लियाई है, कोई भी प्रोसेस है, उसको आप एक्सेलरेट कर देंगे, नहीं, यू कैन नॉट एक्सेलरेट, है ना, और आप उसको अपने आप डी एक्सेलरेट कर देंगे ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें थी, तीनों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे, तीनों बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी बात इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाला जो लॉ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो फोर्थ वाला है, समझ लो। और इसे फोर्थ वाले लॉ को अपन डीके लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डीके लॉ भी कहते हैं, इट इज नोन एज डीके लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज डीके लॉ। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, डीके लॉ क्या कहता है देखना, वो ये कहता है, देखो रेडियो एक्टिविटी के बारे में अगर आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो, इफ यू कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट रेडियो एक्टिविटी, दैट इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की जो रेट है वो प्रेडिक्ट कर सकते हो आप, उसके अलावा आप रेडियो एक्टिविटी के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये बात आप समझिए। तो वही लॉ है, दैट इज, आप देखो तीनों लॉज में आपको क्या बताया गया, अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया गया कि आप कुछ भी नहीं बता सकते हो, लेकिन डीके लॉ ऐसा एक मात्र लॉ है, आपको पता चलेगा, जिसमें आप रेडियो के बारे में बता सकते हो। क्या बता सकते हो? उसकी रेट के बारे में। तो डीके लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ डीके, डीके का मतलब क्या आप समझना, कन्वर्जन ऑफ, इमिशन ऑफ अल्फा, बीटा, गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, द रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज लेफ्ट अनडिकेड इन द सैंपल,
अनडिकेड इन द सैंपल। सैंपल का मतलब क्या हो गया, जो कलेक्शन जहां से अनस्टेबल न्यूक्लियस का कलेक्शन जहां से वो इमिट करके किसमें कन्वर्ट हो रही है बेटा, दूसरी न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो वो सैंपल जहां पर खूब सारी अनडिकेड है ना, खूब सारी न्यूक्लियस है, तो द रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट अनडिकेड इन द सैंपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे। अब अपन बात करते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं ना, क्या मतलब इसको, एक मैं फिजिकल एग्जांपल आपको देकर बता दूं। जैसे कोई भी सैंपल होगा ना, कोई भी सैंपल होगा, कोई भी सैंपल, कोई भी कलेक्शन होगा, तो मान लीजिए एन नॉट, लेट अपन मान लेते हैं, लेट एन नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है ना, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस यू कहूं, या फिर मैं कहूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट टी इक्वल टू जीरो। मतलब जब जो अनस्टेबल न्यूक्लियस, आप कभी नहीं बता सकते कि वो कब कन्वर्ट होंगी, कब क्या होंगी, लेकिन आप ये समझिए कि ये वो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, नॉट आर द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो उस समय मौजूद है जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट ही हुई है। मतलब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई है उस समय एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियस, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस वहां पर मौजूद थे। ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस एट टी इक्वल टू टी नॉट, कोई भी समय, लेट इट बी एनी टाइम, किसी भी टाइम पर इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस उसके अंदर है, समझ रहे है ना। मैं आपको बता दूं कि जो रेडियो एक्टिविटी है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर आप रिलेट कर पाएंगे, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेडियो एक्टिविटी से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप रिलेट कर पाएंगे तो ठीक है, तो उसी को थोड़ा बहुत आप यहां से रिलेट कर पाएंगे फिजिक्स से। तो एन क्या है, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है टी इक्वल टू टी नॉट, मान लो दो घंटे बाद, दो साल बाद, चार साल बाद, बड़ी स्लो होती है प्रोसेस, दस साल बाद इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस सैंपल के अंदर है और शुरुआत में इतने थे, समझ रहे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, कितने डिके हो गए, एन माइनस एन नॉट, कितने डिके हो गए, एन माइनस एन नॉट। अब रेडियोएक्टिव डिके लो क्या कहता है, कि द रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट अनडिकेड इन द सैंपल। तो आप सोचो टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर जो रेट ऑफ रिएक्शन थी, मतलब डिके होने की जो रेट है कन्वर्ट करने की, वो किस पर डिपेंड कर रही थी, एन नॉट पर। मतलब क्यों, क्योंकि इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस सैंपल में थे जो डिके नहीं हुए, जो डिके होना चाहते हैं। फिर टी इक्वल टू टी नॉट पर बताइए, टी इक्वल टू टी नॉट पर किसके किसके प्रोपोर्शनल थी, किस पर डिपेंड कर रही थी, एन पर। फिर टी इक्वल टू मान लो टू टी नॉट पर जितने बचेंगे उस पर, थ्री टी नॉट पर जितने बचेंगे उस पर। तो कुल मिला के जो रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके होती है, दैट डायरेक्टली, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट अनडिकेड इन द सैंपल, जो अनडिकेड है उन पे नहीं, जो डिके हो गए, समझ रहे। इसको अपन एक फिजिकल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यू वेंट टू ईट गोलगप्पा, आप सब लोग गोलगप्पे खाने जाते हो ना, और आप सब लोग गए, आप सब लोग गए, मान लो आप गए, आप इंडिविजुअली गए, तो आप जाके उस भैया को क्या बोलते हो, गोलगप्पे वाले भैया को, आप बोलते हो भैया यार मुझे ना मतलब आप गोलगप्पे खिलाओ 50 रुपए के, तो आप काफी भुक्कड़ प्रवृत्ति के इंसान हो, तो आप बोले 50 रुपए गोलगप्पे खिलाओ, तो वो भैया क्या करता, 50 के मान लो 70 गोलगप्पे आते, तो 70 गोलगप्पे उसको पता भुक्कड़ हो जल्दी जल्दी खाते हो, तो उसने क्या करा, 70 गोलगप्पे मसाले भर के उसमें रख लिया, ट्रे में रख लिया। तो अब वो जो गोलगप्पे हैं, आप समझ लो दे आर व्हाट, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है, समझ लो, और वो डिके कैसे होंगे, तुम्हारे पेट के अंदर जाके वो डिके होंगे। तो तुमने बोला मेरे को गोलगप्पे खिलाओ, तो ही स्टार्ट गिविंग यू गोलगप्पास। तो अब जब आप गोलगप्पे खाने चालू करते हो, तो आपने देखा होगा, अगर नोटिस किया होगा, नोटिस करना अगर नहीं किया होगा, कि आपकी जो स्पीड होती है ना गोलगप्पे खाने की, वो बहुत ज्यादा होती है शुरू में। शुरू में आप बहुत फास्ट खाते हो, फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपके मुंह में रह जाता है गोलगप्पे, वो भैया भी, और फिर धीरे धीरे दबा दबो के फिर अंदर कहीं जाता है, फिर लास्ट में तो एकदम ऐसे हत्या से हो जाती है, लास्ट वाला हाथ दे दे ऐसे करके करते हो। तो आप एक बात सोचो कि आपकी स्पीड जो है ना गोलगप्पे खाने की, वो डिक्रीज हो रही है, शुरू में बड़ी फास्ट थी। अब आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि द स्पीड ऑफ ईटिंग गोलगप्पास बाय यू, द स्पीड ऑफ ईटिंग गोलगप्पास बाय यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ गोलगप्पास लेफ्ट अनईटन इन द थाली। थाली के अंदर शुरू में 70 गोलगप्पे थे, तो तुम्हारी स्पीड ज्यादा थी, फिर जैसे जैसे उसके अंदर गोलगप्पे कम हुए, तुम्हारी स्पीड भी कम हो गई, या फिर यू कहें कि तुम्हारे पेट में ज्यादा गोलगप्पे चले गए, भूख मरती गई तुम्हारी, तो स्पीड भी कम होती गई। तो आप इसको यहां पर इसको समझने के लिए, न्यूक्लियस को समझने के लिए यू कह सकते हैं कि योर स्पीड ऑफ ईटिंग गोलगप्पास वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ गोलगप्पास अनईटन इन द सैंपल। तो ऐसे यहां पर स्पीड ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस जो है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
नंबर ऑफ लेफ्ट इंडिकेट इन द सैंपल, समझ रहे। अब अपन इसमें रेट को, इसको थोड़ा लिखना समझते हैं अपन, है ना। तो देखो है ना, लेट लेट बात करते हैं, ठीक है। तो वो आगे बात कर लें, इसको आप सारे के सारे बच्चे एक बार इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे डीके लोगों आगे मुझे बताना, पूरा ड्राइव करके बताना, तो सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो एन नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, एन क्या है, टी इक्वल टू टी नॉट पे, ध्यान रखना सारे के सारे बच्चे, ठीक है। अब देखो, अपन ये मानते हैं अपने पास सैंपल था, अपने पास ये सैंपल था, मान लो ये पोटली थी, एन नॉट थे टी इक्वल टू जीरो पे, और कुछ समय के बाद में, कुछ समय या काफी समय के बाद में एन बच गए टी इक्वल टू टी नॉट पर, ठीक है। तो अपन ये मानते हैं कि लेट डीएन नंबर ऑफ, डीएन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर डिकेड इन डीटी टाइम, अपन ये मानते हैं कि डीएन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर डिकेड इन डीटी टाइम। डीएन का मतलब थोड़े से स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई डीके हो गए, कितने टाइम में, डीटी टाइम में हो गए। तो रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके, व्हाट इज रेट ऑफ डीके, आप क्या लिखोगे, डीएन बाय डीटी, ये तो लिखेंगे भाई, ये तो रेट होती है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीकेड अपॉन टाइम टेकन। तो अपन मान लेते हैं डीएन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके हो गए, टाइम टेकन कितना है डीटी, तो डीएन अपॉन डीटी। अब अपना लो क्या कहता है, बाई डीके लो, डीके लो क्या कहता है, ये डेरिवेशन कर रहे हैं अपन डीके लो, डीके लो क्या कहता कि रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड इन द सैंपल। आप समझना, शुरू के अंदर एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, कुछ समय बाद टी नॉट समय जब हो गया तो एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सैंपल के अंदर रह गए। अब मान लीजिए इसमें से डीएन मतलब स्मॉल नंबर, बहुत स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके हो गए, कितने टाइम लगा उनको, डीटी टाइम लगा, तो रेट क्या होगी, डीएन बाई डीटी। अब वो रेट जो कि वो किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट। अब इस समय, इसके बाद में डीएन होगी, तो इस समय कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे सैंपल के अंदर, एन थे, तो इसलिए डायरेक्ट एन आएगा। और अगर ये शुरुआत में लेते, यहां पर मैं डीएन लेता और डीटी लेता तो क्या होता बेटा, यहां पर अगर मैं डीएन डीटी टाइम में लेता तो डीएन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आता, एन नॉट के, समझ रहे। अच्छा आप एक बात अपने मन में सोचिए, अब आप बता भी सकते हैं कि रेट जो होगी ना, रेट सबसे ज्यादा कब होगी, जब एन सबसे ज्यादा होगा, और एन सबसे ज्यादा कब होता है, शुरुआत में। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, शुरुआत के अंदर होती है। तो मैं लिखूंगा रेट डीके लो से कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब रेट को क्या लिख सकते हो, डीएन बाई डीटी, और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, कॉन्स्टेंट आएगा, और वो कॉन्स्टेंट आता है लेमडा एन, समझ रहे हो, लेमडा। और इस लेमडा को अपन कहते हैं, लेमडा को कहते हैं डीके कॉन्स्टेंट, क्या कहते हैं, डीके कॉन्स्टेंट, इट इज डीके कॉन्स्टेंट, समझ रहे। और यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रखना, यहां नेगेटिव साइन आता है हमेशा डीएन बाई डीटी के साथ, ये आगे कैसे साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्यों आ रहा है नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, यहां इंडिकेट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डीके डिक्रीजेस, बिल्कुल ये तो है ही, सबसे इंपॉर्टेंट नेचर यही तो है कि शुरुआत के अंदर रेट बहुत ज्यादा थी और बाद में रेट क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, तो ये तो बता ही रहा है, तो नेगेटिव साइन यहां पर इसलिए आता है, ठीक है। तो हियर वी आर ड्राइविंग द डीके लो, तो मैं क्या लिख रहा हूं, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन, ठीक है। तो डी एन माइनस लेमडा एन डी टी लिख सकता हूं बेटा, ठीक है। और एन को एक काम करता हूं, एन को इधर ले आता हूं, एन को इधर ले आता हूं, तो डीएन अपॉन एन, तो मुझे तो सब चाहिए, ये तो सब स्मॉल स्मॉल है, तो नाउ आई विल बी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएन बाई एन और माइनस लेमडा डी टी इंटीग्रेशन, ठीक है। अब डीएन बाई एन, तो यहां पर जब भी ये इंटीग्रेशन है, और यहां पर इंटीग्रेशन लिमिट डिमांड कर रहा है, क्यों डिमांड कर रहा है, क्योंकि देखो यहां वेरिएबल कौन है, डीएन, और यहां वेरिएबल कौन है, डीटी, यहां डीएन है और यहां पर डीटी है, ठीक है। तो अब ये क्या डिमांड कर रहा है, लिमिट डिमांड कर रहा है, तो लिमिट डीटी टाइम कहां से कहां, ये कहां से कहां तक देख रहे हैं अपन, जीरो से लेके टी नॉट समय तक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। और जब टाइम जीरो है
तो ये डीएन मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितनी थी एन नॉट, और जब टाइम टी नॉट है तो कितना हो गया एन, तो ये लिमिट्स लग गई। ठीक है, अब आप सबको बताया कि वन अपॉन एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डॉट डी एक्स, बताओ मुझे डीएन अपॉन एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एन, और ये कहां से कहां होगा बेटा, एन नॉट से एन। ठीक है, और ये क्या आएगा, माइनस लैम्डा तो बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है, और dt का कितना हो जाएगा t, और लिमिट जीरो से लेके t नॉट। क्लियर हो गया, बहुत आसान प्रॉब्लम है, बहुत आसान डेरिवेशन है ना, और यहां पर आपको केमिस्ट्री की याद आ रही है। अब देखो आप एक बार क्या करोगे, log n माइनस log n नॉट इक्वल टू, ये लिखोगे भाई एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी नॉट माइनस जीरो, ये लिखोगे। अब याद है तुमको, है ना, तुमको एक फॉर्मूला अच्छे से याद होगा कि log a बाई बी किसके बराबर होता है, log a माइनस log b, ये फॉर्मूला log की प्रॉपर्टी याद होगा। तो log n माइनस n नॉट क्या लिखोगे आप, log n बाई n नॉट, और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा टी नॉट। ठीक है, अब आपको एक प्रॉपर्टी और log की याद होगी, अगर यहां log हटाओगे तो जो इक्वल में होता है वो किस में चला जाता है, एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा, है ना, अगर आप ये लॉग हटाओगे तो फॉर्मूला किसमें चला जाएगा बेटा, किसमें चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल में चला जाता है, ये जो भी आगे होता है। तो n बाई एन नॉट इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा टी नॉट, तो n किसके बराबर आया, एन नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी नॉट। तो ये बहुत सारी बातें कह रहा, ठीक है, बहुत सारी बातें कह रहा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो अपन करेंगे अभी, इसकी ग्राफ भी प्लॉट करेंगे इन फॉर्मुलों पे। तो ये आया n का फॉर्मूला, n क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट इंडिकेट, n नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ e माइनस लैम्डा t, क्या बता रहा है कि n नॉट से आप डिवाइड करोगे तो मतलब n हमेशा कम ही होना है, समझ रहे हैं। सो दिस इज डीके लॉ, इसे अपन डीके लॉ भी कहते हैं, डिराइव करने भी आता है, सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे, ठीक है बेटा, लिख लिया होगा। तो यहां से एक बात आपको अच्छे से पता चल गई है ना, कि ये जो आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होते हैं वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते हैं, समझ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होना, लीनियर डिक्रीज होने का मतलब समझना बेटा, लीनियर डिक्रीज एक स्लो डिक्रीज है और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कैसा, फास्ट डिक्रीज, और एक्सपोनेंशियल डिक्रीज में फास्ट भी कैसा है कि शुरू में ज्यादा फास्ट डिक्रीज होता है फिर धीरे धीरे डिक्रीज कम होता है, समझ रहे हैं, शुरू में फास्ट होता है फिर धीरे धीरे कम होता है। दूसरा कि रेट ऑफ जो रिएक्शन आपकी, रेट ऑफ रिएक्शन वो लैम्डा डीके कॉन्स्टेंट पर निर्भर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये सारे के सारे डीके लो है, इसको आ जाता है कई बार एग्जाम में ड्राइव करने, फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, और मैं बहुत सारे जो जो फॉर्मूले काम आएंगे वो मैं आपको सारे बताते रहूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, न्यूमेरिकल जब मैं करवाऊंगा डीके लो पे, अभी तो बस सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूं। देखो अब जो अगली बात आती है, अगला टर्म जो आता है वो आता है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ के बारे में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्या कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को ऐसा लगता है जैसे कोई रेडियोएक्टिव सैंपल है वो पूरा डीके होने में 100 साल लगेगा, लगेगा सर, ठीक है, अच्छी बात है। तो बच्चों को ऐसे लगता है कि हाफ लाइफ का मतलब, सर हाफ लाइफ का मतलब ये हुआ कि 50 साल, नहीं 50 साल नहीं हुआ हाफ लाइफ का मतलब, हाफ लाइफ का मतलब कुछ और होता है, क्या होता है देखो, है ना, इट इज द टाइम टेकन, इट इज द टाइम टेकन, टाइम टेकन, इट इज द टाइम, यू लिख सकते हैं, इट इज द टाइम, दोनों तरफ चल सकते हैं इसमें, उल्टा भी और सीधा भी, एट विच नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज लेफ्ट अनडिकेट इज हाफ ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है। अब उल्टा चलते हैं इसमें कि जैसे 100 न्यूक्लियाई है, कितने न्यूक्लियाई है 100 न्यूक्लियाई है, तो 100 न्यूक्लियाई में से 50 न्यूक्लियाई बच जाए उसके अंदर, उतना समय लगे उसे अपन हाफ लाइफ कहते हैं, या यू कहें कि 50 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाए, डीके हो जाए, क्योंकि दोनों एक ही है, एन नॉट, एन नॉट बाई टू इधर से भी, एन नॉट बाई टू उधर से भी है, तो 50 न्यूक्लियाई टूट जाए उसे हाफ लाइफ कहते हैं, या 50 न्यूक्लियाई बच जाए, आधे न्यूक्लियाई बच जाए उसे हाफ लाइफ कहते हैं, दोनों की बात एक ही है। हाफ लाइफ मतलब आधा समय नहीं होता, इसमें टाइम के रेस्पेक्ट में बात नहीं करते, अपन बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेटेड, मतलब एट टी इक्वल टू टी हाफ,
जब आप t इक्वल टू टी हाफ होगा, आपका n किसके बराबर होगा, n नॉट बाई टू के, ठीक है। अब अपन ने क्या पढ़ा है, log n बाई n नॉट, यही पढ़ा था, भी फॉर्मूला लिखा था मैंने, माइनस लेमडा टी, यही पढ़ा था, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यहीं से अपन कुछ निकालेंगे, तो जब आप एन को देखो, सारे बच्चे देखो, एन को आप एन नॉट बाई टू लिख दो, एन नॉट, एन को क्या लिख दिया मैंने, एन नॉट बाई टू लिख दिया, समझ लो, एन को एन नॉट बाई टू लिखने का मतलब क्या हो गया, कि यहां पर मैं लिखूंगा माइनस लेमडा टी हाफ, मतलब टाइम क्या हो गया बेटा, हाफ हो गया, हाफ टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियर इज लेफ्ट इंडिकेट इन द सैंपल आर हाफ ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो गया, अब ये लॉग वन बाई टू आया है और ये माइनस लेमडा टी हाफ आया बेटा, ठीक है। अब आप देखो लॉग वन बाई टू है तो इसको मैं माइनस लॉग टू लिख सकता हूं, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, कि लॉग, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि लॉग वन बाई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ए, ये तो प्रॉपर्टी होती है कि अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ऊपर आता है, समझ रहे हो, है ना, ऊपर आता है तो क्या हो जाता है, माइनस लग जाता है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये ए बाई बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, मतलब अगर आप पिंदर वाला उल्टा करोगे तो बाहर साइन कौन सा जाता है, माइनस, ठीक है। तो माइनस लॉग टू इक्वल टू माइनस लेमडा टी हाफ, अब माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो टी हाफ इक्वल टू लॉग टू अपॉन लेमडा, और जब ये लॉग टू की वैल्यू बेस टेन में रखते हैं तो टी हाफ की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.693 अपॉन लेमडा, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ टी हाफ, है ना, समझ रहे हो, ये फॉर्मूला आ गया किसका बेटा, टी हाफ का फॉर्मूला आ गया। तो आप यहां पर भी साफ साफ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका जो टी हाफ है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो भी लेमडा पर डिपेंड कर रहा है, समझ रहे। कई बार क्वेश्चन आता है कि टी हाफ किस पर डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली ऑन लेमडा, डीके कॉन्स्टेंट पर डिपेंड करता है। तो हाफ लाइफ आपको समझ में आया होगा कि हाफ लाइफ वो समय है जहां पर क्या होता है कि इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस के हाफ बच जाते हैं, ठीक है। अब देखो, नोट कर लिया होगा सबने, अब देखो हाफ लाइफ आ गया, मतलब जो बातें डीके कॉन्स्टेंट के साथ जुड़ी हुई है वो बता रहा हूं मैं सारी की सारी। अब नेक्स्ट जो आता है वो मीन लाइफ आता है। इस लेक्चर को जितना अच्छे से देखोगे ना बेटा, उतना आपका न्यूमेरिकल पार्ट रेडियो एक्टिविटी का सही होगा। अब बात कर रहे हैं मीन लाइफ, तो मीन लाइफ क्या होता है, सिंबल होता है टाउ, टाउ है ना, रिलैक्सेशन टाइम वगैरह में जैसा सिंबल आता है टाउ सिंबल होता है। मीन लाइफ क्या होता है, व्हाट इज मीन लाइफ, समझो मीन लाइफ ऐसे समझो जैसे आपकी क्लास है या आपकी फैमिली है, फैमिली मान लो 10 जन है, किसी की उम्र 60 साल है, किसी की 70 है, किसी की 80, किसी की 90, किसी की 100 है, तो सबकी एजेस को एड करके नंबर ऑफ मेंबर से डिवाइड कर दो, दैट इज मीन लाइफ। तो ऐसी हर एक न्यूक्लियाई की एज अलग अलग है, क्योंकि कोई तो शुरुआत में डिसइंटीग्रेट हो जाती है, कोई किसी का नंबर बाद में जैसे उस थाली के अंदर पड़े हुए पूछ के क्या सब बराबर समय पे खा जाते हो, नहीं, कोई पहले खाया जाता है, कोई बाद में खाया जाता है, तो सबकी लाइफ अलग अलग है, उन जो गोलगप्पे उनकी लाइफ अलग अलग है, तो उन सारी लाइफ का जो एवरेज है दैट इज मीन लाइफ। तो मीन लाइफ क्या है, इट इज द एवरेज ऑफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियर, ऑल न्यूक्लियर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट टाउ जो होता है, टाउ का जो फॉर्मूला आता है, इसको सॉल्व करते हैं अपन, ना आपने ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, है ना, इंटीग्रेशन से ये सॉल्व होता है, डिराइव होता है, नो नीड टू डिराइव ऑल दोस थिंग्स, बस अपने को याद रखना टाउ वन अपॉन लेमडा होता है। और आपको पता है कि टी हाफ क्या होता है, टी हाफ इज व्हाट, 0.693 अपॉन लेमडा, तो लेमडा जो आएगा वो क्या आएगा, 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू जब यहां पुट करते हैं, वैल्यू पुट, तो टाउ जो आता है वो आता है ये 0.693 वन अपॉन 0.693 अपॉन टी हाफ, ये ऊपर जाता है तो टाउ इज टी हाफ अपॉन 0.693, और जब इसको आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाता है 1.44 ऑफ टी हाफ। इट इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन विच वी हैव टू मेमोराइज, जो अपने को ध्यान रखना है कि एवरेज लाइफ जो होता है वो 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है, मेन मुद्दे की बात ये है, ठीक है बेटा। तो ये तो बड़ा आसान चीज था, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, है ना, तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी और ये बड़ी काम आएगी न्यूमेरिकल में। अब मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
ऐसा फॉर्मूला जो तुम्हारी केमिस्ट्री में भी लगेगा और फिजिक्स में भी लगेगा, उसी पे न्यूमेरिकल आते हैं सारे के सारे। उस फॉर्मूले को पढ़ने के बाद आप कोई भी न्यूमेरिकल फिजिक्स का सॉल्व कर सकते हैं, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप ये समझिए, कोई टॉपिक नहीं है, बस मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो क्या होता है, एन बाई एन नॉट, इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। एन बाई एन नॉट इक्वल टू 1/2 की पावर एन। एन क्या है, व्हाट इज एन, सारे बच्चे मुझे बताएंगे, एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, जिनका डीके नहीं हुआ है वो एन है। एन नॉट क्या है, इनिशियल न्यूक्लियाई, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वही है। और स्मॉल एन क्या है, व्हाट इज स्मॉल एन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल एन है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। अब ये थोड़ा सा अपन समझेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ को थोड़ा सा समझेंगे। समझो बेटा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या कहता है, जैसे मान लो किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ है 10 मंथ्स, कितनी मंथ्स है, 10 मंथ्स। अब उसको 100 मंथ्स हो गए, अभी टाइम जो है अभी टाइम हो गया, उसको डीके होते हुए 100 साल हो, 100 महीने हो गए, तो कितनी हाफ लाइफ जी लिया बेटा, वो आप सोचिए कितनी हाफ लाइफ जी लिया, 10 हाफ लाइफ जी लिया, क्योंकि एक हाफ लाइफ 10 महीने की है। ऐसे ही उसको 50 महीने हो गए मान लो, तो कितनी हाफ लाइफ जी लिया, 5 हाफ लाइफ जी लिया, समझ लो। ऐसे उसको 200 महीने हो गए तो कितनी हाफ लाइफ जी लिया, 20 हाफ लाइफ जी लिया। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या आएगा, टाइम अपॉन टी हाफ, जो भी टाइम है जिस टाइम पर आपका नंबर ऑफ, किसी, ये तो किसी टाइम पर होगा ना, ये एट टाइम टी नॉट होगा ना बेटा, किसी भी समय पर होगी, तो वो जो समय है टी नॉट, सॉरी वो जो समय है, उस समय अपॉन टी हाफ बता देगा कि कितनी हाफ लाइफ वो जी लिया। और फिजिक्स में जब भी अपन सॉल्व करेंगे हमेशा इंटीजर आएगा, हाँ कहीं पर अगर इंटीजर नहीं आएगा तो लॉग लगाएंगे, वो 1% चांस आता है, समझ लो, बाकी इंटीजर आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं बहुत बहुत बोल रहा हूं, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसीलिए बोल रहा हूं, ठीक है। चलो अब आ जाइए, बहुत आसान है ना, ये आ गया। अब अपन बात करते हैं, अब थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा है 30 मिनट का वीडियो बनाने के लिए, तो एक टॉपिक जो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाला था उसको मैं भी डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। आप देखिए बेटा, ग्राफ बिटवीन, ग्राफ बिटवीन एन एंड टाइम, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेटेड इन द सैंपल, और टाइम का मतलब क्या है, टाइम, जो भी टाइम है। तो मैं एक टेबल बनाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मेक वन टेबल, फिर उसके बेसिस पे मैं ग्राफ बनाऊंगा। ये मान लो आपका एन है और ये आपका टाइम है, ठीक है। वैसे तो आप सबको पता है कि n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है। तो जब भी ऐसा ग्राफ आता है तो ये ग्राफ जो है वो n और टाइम में ग्राफ कैसा है, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा ही होता है, e की पावर माइनस लैम्डा t का ग्राफ ऐसा ही होता है, इस तरह से टच नहीं करता इसको, टच इन्फिनिटी पे जाके करता है, तो ये इस तरह का होता है। आप इस नॉलेज से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता आप इस नॉलेज से बनाए, मैं आपको बिल्कुल जो शेयर नॉलेज है, शेयर बात है, वो बताना चाहता हूं। एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, और टेबल की मदद से कुछ करते हैं, ठीक है बेटा, आप लोग भी कर सकते हैं। यहां पर मैं एन की बात करूंगा और यहां पर टाइम की बात करूंगा, सारे बच्चे देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, एवरी वन कैन डू इट। अब देखो, जब टाइम जीरो है तो एन नॉट कितना है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द सैंपल एन, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना है, एन नॉट, वेरी गुड। जब टाइम आपका टी हाफ हो गया तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं, एन नॉट बाई टू, वेरी गुड, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपका टाइम ट्वाइस ऑफ टी हाफ हो गया, मतलब डबल हो गया टी हाफ के, समझ रहे, तो कितना है, तो आप देखो यहां से फॉर्मूला मैंने बताया था, एन बाई एन नॉट इक्वल टू 1/2 की पावर एन, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या आएगा, एन नॉट बाई 2 की पावर एन। अब यहां पर ये, यहां पर बताइए 2 की पावर एन, यहां पर ये एन कितना है, इस केस में एन कितना है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, कितनी हाफ लाइफ, यहां पर तो एन कितनी थी 1, तो यहां पर 2 की पावर 1, तो एन नॉट बाई 2 आ गया। यहां पर कितनी हाफ लाइफ जी थी 2, तो एन नॉट बाई ये पावर 2, तो कितना हो जाएगा 4, तो इट विल बी एन नॉट बाई 4, समझ लो। अब मान लो टाइम जो है वो 3t हाफ हो गया है, कितना हो गया 3t हाफ, तो टाइम अब बताओ अब कितना हो गया, यहां 2 की पावर कितना होगा, व्हाट विल बी 2 raised to power 3, 3 है, 3 गुना हो गया टी हाफ के समय, समय तो ऐसे ही बढ़ रहा है, टी हाफ के टर्म्स में बढ़ा रहे हैं,
तो 3 गुना हो गया तो कितना हो गया, 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 टू जे 4, 4 टू जे एन नॉट बाई 8, फिर आगे चलाते जाओगे आप एन नॉट बाई 16, तो कम होता जा रहा है। तो यही अपन इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो देखो जब समय जीरो है तब नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं, एन नॉट मान लेते हैं, एन नॉट, ये इतना पोजिशन जो है वो एन नॉट है, समझ रहे। फिर समय जीरो है, अब मान लो समय आपका हो गया टी हाफ समय हो गया, तो टी हाफ समय पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने आप मतलब बताएंगे, इसका जस्ट आधा, तो ये इसका आधा यहां मान लेते हैं, इसका ये लगभग हाफ यहां आ गया, दैट इज एन नॉट बाई 2, तो ये यहां से जाएगा तो ये आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट आपका आ जाएगा। तो टी बाई 2 टाइम पर, टी हाफ टाइम पर इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस एंटीकेट, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट आ गया, एक कोऑर्डिनेट आ गया टी इक्वल टू 0 पर, जब टाइम कितना था 0। अब टाइम थोड़ा और आगे बढ़ाया है ना, डबल हो गया टी हाफ का, तो ट्वाइस ऑफ टी हाफ, देखो थोड़ा टी हाफ और बढ़ाया तो डबल हो गया टी हाफ का समय। अब ट्वाइस ऑफ टी हाफ पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस वो कितने, एन नॉट बाई 4, मतलब एन नॉट बाई 2 का आधा, तो यहां पर आ गया एन नॉट बाई 4, बहुत अच्छे से बता रहा हूं मैं ग्राफ को, तो ये ऐसे जाएगा तो ये यहां पर आ गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये कोऑर्डिनेट आ गया, ये वाला 2 टी हाफ और एन नॉट बाई 2, फिर 3 टी बाई ये यहां पर, ये यहां पर, देखो अब 3 टी हाफ मतलब टी हाफ और बढ़ा, तो टोटल टाइम कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ हो गया, 3 टी हाफ पे कितना बच गया आप बताइए, 3 टी हाफ पे कितना बच गया, एन नॉट बाई 4 का भी आधा एन नॉट बाई, तो ये आधा एन नॉट बाई 8, ठीक है, ऐसे कम होता जाएगा, तो ये ऐसे बिल्कुल ऐसे जाएगा और ये इस तरह से। अब आप इस ग्राफ को जोड़ोगे, सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे, तो सारे पॉइंट को जब आप जोड़ोगे ना, व्हेन यू विल जॉइन ऑल दोज पॉइंट्स, तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, आप एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा, जो कि मैथ्स की इक्वेशन आपको बता, समझ रहे, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन तो ऐसे होता, बिल्कुल ऐसे आता है ये पॉइंट, समझो एक्सपोनेंशियल, शुरू में तो ज्यादा डिक्रीज हुआ है, बाद में देखो शुरू में ढलान ज्यादा है, बाद में ढलान क्या हो रही, कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही, और बाद में इनफाइनाइट समय पर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, यूजिंग दिस फॉर्मूला आपको डिराइव करने बोलता है एग्जाम में, यूजिंग द पॉइंट टी आर 2 टी आर 3 टी आर, इसी तरह से आता है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसी तरह से दिया हुआ है। बेटा इस लेक्चर को अच्छे से देखना, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, रिडक्टिव डीके लॉ पे, न्यूमेरिकल्स, डीके की यूनिट, डीके कांस्टेंट की यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो सारे बच्चे इसको अच्छे से देखें।